जैसे ही इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी, अचानक हमारे पास दो बातें हो रही हैं। एक, ईडी का सातवां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है, आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे, यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजय अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर, एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता, ये 400 पार के लक्षण तो नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए 400
400 पार के लक्षण तो प्यार मोहब्बत के लक्षण होते हैं, कि नफरत के लक्षण तो हारने वाले के लक्षण होते हैं। जो आदमी डर रहा होता है, जो आदमी हार की कगार पे खड़ा होता है, ये उसके लक्षण होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को ये बता देना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहें तो कर लें। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन के अंदर होने जा रहा है, ये अलायंस रुकने वाला नहीं है।